अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। आज हमारे किचन में बनने वाला है हरी मिर्च का कीमा। तो यहाँ पर हमने 1 किलो मटन का कीमा लिया और कीमे को अच्छी तरह धो लिया है। 4 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच की करी ऑयल और थोड़े से साबुत मसाले जाएंगे इसमें। तो साबुत मसालों में लिया है तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, हरी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, शाहजीरा और जावित्री। तो मसालों को हल्का सा तड़काने के बाद में अब इसमें हम ये प्याज डाल देंगे और बस प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। 8-10 हरी मिर्च इसे हम दरदरा पीस कर डालेंगे। आप चाहें तो मिर्च को थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं या अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। तो इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए प्याज हल्की गुलाबी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, और इसी के साथ ये दरदरी पीसी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अदरक लहसुन और मिर्च को भूनने के बाद में 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, और इसी के साथ डाल देंगे ये मटर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम हम यहाँ थोड़ा स्लो रखेंगे और कीमे को अच्छे से मसाले में भून लेंगे। तो बस थोड़ी देर कीमे को भूनने के बाद में अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो यहाँ पर हमें 4 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए टमाटर ले लिए हैं, ये डाल देंगे और टमाटरों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्लेम हम यहाँ आप फुल पर रखेंगे और थोड़ी देर टमाटरों को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद में अब इसकी हम लिड लगाएंगे। और अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, ये जो कीमे का और टमाटर का पानी है तो इसमें ये कीमा अच्छे से गल जाएगा। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा कम है तो फिर आप इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल सकते हैं। इसकी लिड लगाएंगे और फुल फ्लेम पर 2 प्रेशर ले लेंगे। इसके बाद हम गैस को स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर 1 से 2 प्रेशर और ले लेंगे और फिर इसे अपने आप ठंडा होने देंगे। जब प्रेशर कुकर अपने आप ठंडा हो जाए तो अब हम इसे खोल कर देख लेंगे। अब हम गैस को चालू करेंगे और इसे थोड़ी देर भून लेंगे और इसी के साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देंगे। 5 से 7 मिनट पकाने के बाद में कीमा, तो बस 5 से 7 मिनट हमने इसे पका लिया है और पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। अगर आप चाहें थोड़ी ग्रेवी वाला पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल सकते हैं। तो पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स करेंगे और इसे करेंगे हम डिसआउट। तो सिंपल सा हरी मिर्च का कीमा बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी ये कीमा बना है, आप इसे बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।